में हम जानने वाले हैं यौगिक के बारे में, जानेंगे यौगिक क्या होता है और यौगिक के प्रकार क्या होते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था तत्व और तत्वों के प्रकार को, यानी इस साइंस की सीरीज के अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, क्लिक करके देख सकते हैं। तो देखिए यौगिक क्या होते हैं, जब हम दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में उनका रासायनिक संयोग करते हैं तो हमको जो पदार्थ मिलता है वही यौगिक कहलाता है, यानी इसमें जो तत्वों का एक निश्चित अनुपात होता है, मिश्रण में कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है लेकिन यहाँ पर निश्चित अनुपात होता है तो वो यौगिक कहलाता है। जैसा आप डेफिनेशन देख सकते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनने वाला जो पदार्थ होता है वो यौगिक कहलाता है, निश्चित अनुपात होता है। एग्जाम्पल के तौर पर H2O, H2SO4, HCl, NH3 या और भी कोई भी कंपाउंड देख सकते हैं, CH4, C6H6, कोई से भी सारे के सारे यौगिक होते हैं। जैसे H2O है, यहाँ पर आप देखेंगे हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का जो अनुपात है कितने, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन। यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो अनुपात है वो कितना है, 1:1 है। तो ये यौगिक है क्योंकि इनमें तत्वों का एक निश्चित अनुपात होता है। अब बात करते हैं, ये इसके एग्जाम्पल है, ये आपको नोट बहुत ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि नोट में क्या दे रखा है, इसके जो रासायनिक गुण होते हैं यानी जो यौगिक के गुण होते हैं वो अपने अवयवों से अलग होते हैं। अब देखिए यौगिक के जो गुण होते हैं वो अवयवों से अलग कैसे होते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर बात करते हैं किसकी, H2O की, यानी कि जल की। अब देखिए जल मिलकर बना होता हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस होती है और ऑक्सीजन एक जलने में सहायता करती है। आपको पता है कि बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जल सकती है, जहां पर ऑक्सीजन होगी वहीं पर आग जलती है। तो ये ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जलने में सहायक गैस, लेकिन जब ये दोनों मिलकर यौगिक बनाती है यानी कि जल बनाती है, जल क्या होता है आग को बुझा देता है। तो इसके यानी कि यौगिक के यानी कि जल के जो गुण होते हैं इसके अवयवों यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग होते हैं। तो यहाँ पर यही लिखाया गया है कि यौगिक के गुण अपने अवयवों से अलग होते हैं। बात करते हैं यौगिक के प्रकार की, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक यौगिक और एक अकार्बनिक यौगिक। यानी कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, इनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों तत्व एक साथ होते हैं, यानी दोनों तत्व होते हैं। और ये जो मैक्सिमम पाया जाता है ये सजीवों से पाया जाता है, ध्यान रखना है। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ये सजीवों से पाए जाते हैं जिनमें श्वसन की क्रिया होती है। एग्जाम्पल है आपका CH4, देखिए सब में कार्बन होगा, C6H6, C2H5OH। आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, वो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। बात करते हैं अकार्बनिक यौगिक की, तो इनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ उपस्थित नहीं होते और ये मैक्सिमम किससे मिलते हैं, निर्जीवों से पाए जाते हैं, किससे, निर्जीवों से। एग्जाम्पल देख सकते हैं H2O, NH3 और भी आप बहुत सारे ले सकते हैं जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं होगा, वो सारे के सारे अकार्बनिक यौगिक होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले के जितने भी वीडियो इस सीरीज के आए हैं उनको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।